नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं लेकर के आई हूँ अपना बर्थडे मेकअप लुक, जिसमें मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपने बर्थडे के लिए रेडी होने वाला पूरा प्रोसेस। तो इसमें मैं ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रही हूँ वो सभी के सभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हैं। उसके अलावा अगर आप अबव 40 हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सटल और एलिगेंट लुक ये देने वाला है। इस मेकअप लुक के लिए मैंने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मैट फिनिश में यूज़ किए हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल ग्लो देते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मेकअप स्टार्ट करें। मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है CTM, यानी कि क्लिंजिंग टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो क्लीन मैंने ऑलरेडी फेस को कर लिया है, अब मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर जो कि है बायोटिक बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर, जिसे मैंने एक स्प्रे बोतल में डालकर और पूरे फेस पर स्प्रे कर लिया। उसके बाद एक टिश्यू पेपर की हेल्प से उसे क्लीन कर लिया। उसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज करना, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्किन लव सूदिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और किसी भी तरीके के मेकअप का एक बहुत ही अच्छा बेस है, सबसे अच्छी बात इस क्रीम की ये है कि ये नॉन ऑयली है। तो आपको लाइट मेकअप करना हो या हैवी मेकअप करना हो, इससे मॉइस्चराइज करने के बाद मेकअप काफ़ी लंबे समय तक टिकता है। उसके बाद अपने पोर्स को कवर करने के लिए मैं कर रही हूँ स्किन को प्राइम, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ह्यूडा ब्यूटी फाउंडेशन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर मेकअप बेस, और काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी और सभी पोर्स को बहुत अच्छे से कवर करता है और बहुत ही अच्छा मेकअप बेस है ये। डार्क आई सर्कल्स या फिर किसी भी तरीके के स्पॉट्स को कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कंसीलर, और ऑरेंज कंसीलर काफ़ी नेचुरल लुक देता है। और मैं यूज़ कर रही हूँ फैशन कलर का ऑरेंज कंसीलर कवर अप, और बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं है आई सर्कल्स, बट जो भी हैं उनको कवर करने के लिए ऑरेंज कलर ही बेस्ट रहता है इस तरीके के डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए। उसके बाद फाउंडेशन में मैं यूज़ कर रही हूँ मेबली न्यूयॉर्क फिटमी फाउंडेशन, जो कि मैट फिनिश में है, और बस थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी इस तरीके से पूरे फेस पर, ईयर्स पर और नेक पर लगानी है, और उसके बाद इवनली उसको हाथों से ही मैं स्प्रेड करूँगी अच्छे से, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ उसे स्प्रेड करना है। आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन मेक श्योर कि किसी भी तरीके के पैचेज ना हो स्किन पे, और इसकी जगह पर जैसे मैं तो हाथों से लगा रही हूँ, आप स्पॉन्ज या फिर किसी ब्रश की हेल्प भी ले सकते हैं। और बस फाउंडेशन को बहुत अच्छे से इवनली स्प्रेड करने के बाद मैं यूज़ करूँगी लिक्विड कंसीलर का, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट लिक्विड कंसीलर, और इसको बस थोड़ा सा मैंने अपने आईलिड्स पे लगाया है, जो कि मैं एज अ आई शेडो बेस के तौर पर मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप आँखों के नीचे भी इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़रूर लगाएं। तो बस अब इसको मैं अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से ही इवनली स्प्रेड कर दूंगी। कंसीलर के बाद मैंने लगाया है स्विस ब्यूटी का लिक्विड इल्यूमिनेटर, और मैं तो खैर इसे बाद में लगा रही हूँ, हम चाहें तो इसे अपने फाउंडेशन में ही इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके और उसके बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मेकअप है वो थोड़ा सा ड्यूई रहेगा और फ्रेश लुक देता रहेगा एक लंबे टाइम तक। तो बस इसकी बहुत छोटी सी क्वांटिटी हमें लेनी है। उसके बाद सभी चीज़ों को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क कॉम्पैक्ट पाउडर, और अभी तक मैंने जो भी अप्लाई किया है, जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं, वो इस कॉम्पैक्ट की हेल्प से वहीं के वहीं सेट हो जाएंगे। मेकअप के बाद पूरा चेहरा ब्लंट वाइट ना लगे, इसके लिए अब मैं करूँगी कॉन्ट्यूरिंग। तो सबसे पहले मैं करूँगी क्रीम कॉन्ट्यूर, जिसमें मैं यूज़ करूँगी मेबलिन न्यूयॉर्क वी फेस डुओ कॉन्ट्यूरिंग स्टिक, और इसमें जो डार्क साइड है उसको इस तरीके से मैं फोरहेड पर और नोज़ के दोनों साइड, उसके अलावा जो चीक बोन्स हैं इससे जस्ट ऊपर इस तरीके से मैं लगाऊँगी, और बस उसके बाद अपने फिंगर्स की हेल्प से ही मैं थोड़ा सा उसको स्मज कर दूँगी स्किन के साथ। इसके बाद इस स्टिक के जो लाइटर शेड है उसको मैं उन पार्ट्स पर लगाऊंगी अपने फेस के जिन्हें मुझे हाईलाइट करना है, जैसे कि फोरहेड और मेरे चीक बोन्स और उसके अलावा नोज टिप।
तो बस इन डार्क कॉन्ट्योरिंग को स्मज करने के बाद अब ये लाइट कॉन्ट्योरिंग स्टिक है और इसको इस तरीके से अपने फोरहेड पर, नोज टिप पर और चीक बोन्स पर मुझे लगाना है। तो बस अब एक बार फिर से इन्हें मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही स्मज कर लूँगी। कॉन्ट्योरिंग को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी पाउडर कॉन्ट्योरिंग, जिसमें मैं यूज़ करूँगी मेबलिन न्यूयॉर्क वीफेस ब्लश कॉन्ट्योरिंग, जिसमें मुझे मिले हैं ये 3 शेड्स। और बस इसके साथ एक छोटी सी क्यूट सी ब्रश भी मुझे मिली है, उसकी हेल्प से सबसे पहले जो सबसे डार्केस्ट शेड है उसको मैं जहाँ जहाँ मैंने डार्क स्टिक यूज़ की है, यानी कि फोरहेड और मेरे जो चीक बोन्स के साथ वाला हिस्सा है, साथ में मेरी जो जॉ लाइन है वहाँ पे, और साथ में मेरी नोज़ के दोनों साइड्स, तो वहाँ पर मैं ये डार्क शेड को लगा लूँगी। उसके बाद इसके साथ जो सबसे लाइटर शेड दिया हुआ है उसको मैं यूज़ कर लूँगी उन पार्ट्स पर जहाँ पर मैंने लाइटर स्टिक यूज़ की थी, या फिर कह सकते हैं जिन पार्ट्स को मुझे हाईलाइट करना है। उसके बाद सेंटर में ही इसमें दिया हुआ है पीच कलर का एक ब्लश, और अपने चीक्स को ब्लश करने के लिए मैं इस ब्लश को ही यूज़ करूँगी। किसी भी तरीके की मैच्योर स्किन पर पीच ब्लश बहुत ही नेचुरल और एलिगेंट लुक देता है व्हेन कंपेयर्ड टू पिंक ब्लश। और ब्लश अप्लाई करने का तो सीक्रेट यही है कि जब हम थोड़ी देर धूप में रहते हैं उसके बाद हमारे फेस का जो जो पार्ट रेड या पिंक हो जाता है, बस उस एरिया पर हमें ब्लश अप्लाई करना है। तो बस इस तरीके से दोनों चीक बोन्स पर और नोज टिप पर थोड़ा सा ब्लश लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी आई शेडो। और आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेवलॉन कस्टम आईज पैलेट, और जिसमें 4-5 तरीके के शेड्स दिए गए हैं। तो इसमें से जो सबसे ऊपर ये ब्राउन आई शेडो है, ये वाला शेड मैं दोनों आईलिड्स पर इवनली लगा लूँगी। ब्राउन आई शेडो लगाने के बाद मैं सेम पैलेट से वाइट आई शेडो की थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर्स पे लगा लूँगी। उसके बाद मैं दोनों कलर्स के ही आई शेडोज़ को अपनी वाटर लाइन पर नीचे की ओर इवनली लगा लूँगी। आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैंने दोनों आईज़ पर लगाया है CBB लिक्विड वाटरप्रूफ आईलाइनर, और बहुत ही अच्छा आईलाइनर है ये। और इस साथ में इसका जो एप्लीकेटर मिला है बहुत ही अच्छे स्ट्रोक्स उससे आते हैं, बहुत इजीली लग जाता है। आई एम नॉट अ प्रो एट अप्लाइंग आईलाइनर, बट इस ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से आईलाइनर लग जाता है। हालांकि मेरे जैसी हुडेड आईज़ के लिए आईलाइनर अप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर हो सकता है। आईलाइनर के बाद मैंने लगाया फैशन कलर का बिग आई वाटरप्रूफ कर्ल मस्कारा, और इसके साथ बिल्कुल भी आर्टिफिशियल आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही नेचुरल कर्ल आ जाता है इसे लगाने के बाद, और बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आता है आईलैशेस में इस मस्कारा को लगाने के बाद। अप्लाई करने के बाद मैं लगाऊंगी
किस ब्यूटी आईब्रो एंड जेल लाइनर कॉम्बो में से अपनी आईज़ को मैं करूँगी फिल, और इस तरीके की एक ब्रश की हेल्प से। और दो कलर है मेरे पास, एक ब्राउन और एक ब्लैक, और बस मैं दोनों ही कलर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते हुए और इस तरीके से अपनी दोनों आईब्रोज़ को फिल कर दूंगी। मैं कभी भी आईब्रो पेंसिल का यूज़ नहीं करती हूँ आईब्रो पर, क्योंकि उससे नेचुरल लुक जो है आईब्रोज़ का वो ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल हमारा मोटिव यही रहता है कि अपनी आईब्रोज़ को हम हेल्दी दिखाएँ, हैवी दिखाएँ, तो उसके लिए मेरा काम इसी ब्रश की हेल्प से चल जाता है। तो बस इसी ब्रश की हेल्प से मैं ब्राउन और ब्लैक कलर को दोनों को कंबाइन करते हुए इस तरीके से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेती हूँ। इसके बाद फेस को और ज़्यादा ब्राइटन अप करने के लिए मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, जिसमें मैं यूज़ करूंगी लैक्मे फेस शेयर हाइलाइटर, जो कि बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है। बस इस तरीके से उसके साथ जो एप्लीकेटर मिला है उसी की हेल्प से मैंने लगाया, और उसके बाद एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से उसे मैंने स्मज कर दिया है। उसके बाद है फाइनल टच, जो कि है लिप कलर, और इसके लिए मैं यूज़ करूंगी ब्लू हेवन एलिगेंस मैट लिप कलर, जो कि है न्यूड शेड में, और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा शेड है। और बस इस तरीके से मेरा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद मैं करूँगी जो भी मेकअप मैंने अप्लाई किया है उसको सेट। उसके लिए मैंने घर पे ही इस तरीके का एक सेटिंग स्प्रे बनाया हुआ है, आप कहेंगे तो मैं इसका जो भी प्रोसेस है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद मैंने किया चेंज, और मैंने बहुत ही सिंपल इस तरीके से कॉटन की एक साड़ी ली, साड़ी डाली है, साथ में मैंने इस तरीके से नेट का एक ब्लाउज़ के साथ उसे टीम अप किया है, और साथ में ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स मैंने डाले हैं, और बहुत ही सिंपल लुक को मैंने रखा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी मैं अटेंड नहीं करने वाली हूँ, एक छोटा सा गेट टुगेदर है घर में ही। तो बस यहीं तक मेरा ये वीडियो था, यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा मेरे साथ इस पूरे प्रोसेस को, और मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। और अगर मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलते हैं एक और नए बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।